सीधा रुख करा देता हूँ सबकी सबसे बड़ी खबर से जो कोटा के नयापुरा से सामने आई है। बातचीत करें तो एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, दो कारों के बीच में आपस में टक्कर हो गई और ये टक्कर इतनी भीषण थी कि एक कार पलट गई और एक बच्ची कार की खिड़की से बाहर जाकर के गिर गई और उसकी दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। क्या कुछ ये मामला बयां कर रहा है, सीधा इस रिपोर्ट से आप सभी को रूबरू कराते हैं। नयापुरा थाना क्षेत्र में जीडीबी कॉलेज सर्किल पर दर्दनाक हादसे में 7 साल की मासूम की मौत हो गई, वहीं एक युवती घायल भी हुई है जिसे इलाज के लिए एम्बुलेंस लाया गया। इको कार में ड्राइवर समेत 6 लोग व 4 बच्चे सवार थे जो रिश्तेदार की शादी में शामिल होने कोटा से चेचट जा रहे थे। परिवार के सदस्य किराए से गाड़ी करके दोपहर में घर से निकले, जीडीबी सर्किल पर एक्सीडेंट हो गया, मासूम के शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतका के पिता अशोक नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं तो नयापुरा इलाके में रहते भी हैं। वो अपने जवाई बहन भानेज, पत्नी व बेटी दिव्या व हर्षित समेत परिवार के सदस्यों के साथ शादी में शामिल होने का कार चेचट में जा रहे थे। नयापुरा से जीडीबी सर्किल से घुमाव लेते समय एरोड्रामा की तरफ से आ रही कार से टक्कर भी हो गई और कार पलट गई, कार का पीछे कर टायर फट गया। अरे वाल्मीकि समाज का परिवार था अशोक वाल्मीकि, वो उसकी फैमिली अपने घर इस्माइल चौक नयापुरा से शादी समारोह में शरीक होने के लिए चेचड़ जा रहे थे, तो ये जैसे ही जेडीवी कॉलेज के सामने गोपाल कृष्ण बैडमिंटन हॉल के यहाँ पे पहुँचे, सामने से एक कार आ रही थी, आई टेन कार थी, तो वो इससे टकरा गई गाड़ी से। वो गाड़ी से टकराने से इसमें जो गुड़िया बैठी हुई थी दिव्या प्रणाम, उसकी उम्र 6 साल थी, उसकी गंभीर चोट आई सिर में और उससे वो जेल इलाज हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। रात को कल दिन की घटना थी। सर इसमें गलती किसकी थी, दोनों कार आमने सामने भिड़े तो रॉन्ग साइड कौन आ रहा था इसमें? जो सामने वाला जो वो गाड़ी चालक था परमेश्वर शर्मा करके, वो स्पीड में था और गाड़ी नियंत्रण में नहीं हो पाई और इसके ठोक दी से वो बच्ची के वो क्या नाम से सिर में चोट आई है। वहाँ से हॉस्पिटल लाए थे, हॉस्पिटल लाते ही डॉक्टर को चेकअप कराया तो डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दी उसकी। पोस्टमार्टम करवा दिया है, लाश परिजनों को सौंप दिए। सर दोनों गाड़ी के वो जो सामने वाला था वो मौके से फरार हो गया था या उसको उस समय? नहीं, उसको मौके से ही नयापुरा पुलिस की जो चेतक है वो लेके और थाने पर आ गई थी, गाड़ी को भी लेके आ गई थी, चालक को भी लेके आ गई थी और क्या नाम से उसको घायल को हॉस्पिटल पहुँचा दिया था उपचार के लिए। कुछ समय पश्चात ही उसकी दौरान इलाज डेथ हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है, लाश परिजनों को सौंप दी गई है। आपका सब नाम सर? मेरा नाम है ब्रजराज गौतम एसआई, मैं यातायात थाना के कांस्टेबल हूं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।